है कि योगी जी को डर लगता है और दिन रात तो उनके सपनों में आते हैं और सिर्फ बिहार चुनाव में पाकिस्तान और ओवैसी का डर उनको सता रहा है। देखिए, ओवैसी जी जैसे लोगों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि भारत के योगियों की ताकत क्या है। जिस दिन वो योग और योगी को समझ गए उस दिन वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनके न्यूसेंस का कोई मतलब नहीं है। बिहार में वो सभी लोग वोट कटवा के रूप में घूम रहे हैं और बिहार एनडीए के पक्ष में पूरा मत बना के आगे निकल गया है। आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और जैसा कि आप सबको पता ही है, सब कोई अपने अपने कैपेसिटी से बात करता है। आज भाजपा ने स्पष्ट किया है कि हम आत्मनिर्भर बिहार के तहत 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये बिहार समझ भी रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और उधर निकल भी पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि पिछली बार भी आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया। बिहार का चुनाव क्या पाकिस्तान और इस पर विशेष राज के दर्जे की बात? आपको बताऊं कि शायद तेजस्वी बाबू को मैनिफेस्टो पता नहीं, वो पढ़ पाते हैं कि नहीं, उनको पढ़ना चाहिए, नहीं तो किसी से पढ़वा लेना चाहिए कि बीजेपी ने जो जो कहा है वो किया है और उसी का एग्जाम्पल है बिहार में IIM, उसी का एग्जाम्पल है बिहार में दो दो एम्स, उसी का एग्जाम्पल है दीघा पुल, उसी का एग्जाम्पल है आरा छपरा बबुरा पुल, उसी का एग्जाम्पल है अटल सेतु। ये सारी चीज़ें और गांव-गांव सड़कों का पक्की होना, गांव-गांव गलियों का पक्की होना, इसका एग्जाम्पल है और उनको भी पता है कि ये भाजपा जो कहती है वो करती है। एक आखिरी सवाल ये कि महाराष्ट्र में बिना इजाज़त के अब CBI की एंट्री नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने CBI पर रोक लगा दी है, उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि CBI उन गिरेबान तक पहुंच रही है जो लोग अब तक बचने की कोशिश करते रहे। आखिरी उनकी एक कोशिश होगी जो असफल होगी अपराधियों को बचाने। आखिर किस बात का डर है? ये तो बिहार में पूछा जाना चाहिए कांग्रेसियों से जिनकी वहाँ सरकार है। ये बिहार में पूछा जाना चाहिए तेजस्वी बाबू से कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को आप जो साथ लेकर के घूम रहे हैं, इसका जवाब बिहार को क्या देंगे? जी।